तो बड़ी खबर आपको एमपी के हरदा से बता रहे हैं, जहां हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। 2 से 3 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं विस्फोट होने के बाद आग बुझाने का प्रयास जारी है। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई है। मगरदा रोड के पास ये फैक्ट्री स्थित है और आज अचानक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसके बाद विस्फोट होने के बाद आग लगी और अभी आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाके की आवाज आई। 2 से 3 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग का जो गुबार है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। नई तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिल रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एम्बुलेंस के साथ लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक आग का गुबार दिखाई दे रहा है। हरदा में आग से जो माहौल है वो अफरा तफरी का है और चीखते पुकारते हुए जान बचाते हुए लोग वहां से भागे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये आग लगी है और दूर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद ये भीषण आग लगी। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने लोगों की वहां मौत हो चुकी है, लेकिन जो जख्मी लोग हैं उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर प्रशासन टीम मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि 2-3 किलोमीटर दूर तक जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, वहीं आसपास के घरों में भी आग लग गई है। कह सकते हैं कि आसपास के जो घर हैं वो आग की चपेट में आए हैं। वहीं कई दुकानें भी स्थित थीं जो आग की चपेट में आई हैं। मगरदा रोड की फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धमाके के कारण कई घरों में भी आग लगी है और कई घरों में दरारें पड़ी हैं। आसपास के कई घरों में आग लगने के बाद वहां आसपास के अन्य घरों में दरारें पहुंची हैं। दूर दूर तक ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। हालांकि आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। हरदा में जो आग लगी है फैक्ट्री में, उसके बाद से वहां का अफरा तफरी का माहौल है। चीखते पुकारते हुए जान बचाते हुए लोग वहां से भागे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों की सूचना पर मौके पर प्रशासन टीम पहुंची है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद ये भीषण आग देखने को मिली है। वहीं अब एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और एक नया अपडेट जो सामने आपको बता रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 300 लोगों की मौत हुई है, यानी कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, पर अभी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है कि कितने लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह आग लगी है और आग का जो गुबार है वो पूरे इलाके में फैल गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। मगरदा रोड की फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है। जो फैक्ट्री थी वहाँ पटाखे बनाए जाते थे और सूचना के बाद कह सकते हैं कि वहाँ किसी गलती से आग की चिंगारी या भड़की है, जिसके कारण एक के बाद एक पटाखे में आग लगती चली गई और इस तरह से धमाका हुआ। खबर हरदा से, जहां एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इससे आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लगी है। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कुछ शव भी पड़े हुए दिखाई दिए हैं।
वहीं 25 से अधिक घायलों को हरदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली भी करवाए हैं। वहीं धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर से उछले, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि किस तरह से इस धमाके ने लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। वहीं फैक्ट्री में लगातार धमाके अभी भी हो रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अभी भी वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लगातार लोगों को जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताने की मध्य प्रदेश के हरदा में ये फैक्ट्री स्थित है, यहाँ पटाखा बनाने का काम होता है। पटाखा फैक्ट्री में थोड़ी देर पहले भीषण विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री में रुक रुक कर एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक हरदा के बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है और कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। और बता दें कि मौके पर दमकल कर्मियां पहुंचे हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, उसके बाद ही लोगों का रेस्क्यू हो पाएगा। और आग की लपटों पर काबू पाने में देरी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पटाखे रखे हुए हैं और जिसकी वजह से आग लगातार भड़कती जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, लेकिन स्पष्ट फिलहाल नहीं है कि आखिर वहां कितने लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह ये ब्लास्ट के बाद आग लगी है, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है, कई लोग घायल हैं। लगातार घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फैक्ट्री में उस समय 30 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, ये भी एक ताजा अपडेट मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग का जो गुबार है वो दूर दूर तक देखने को मिल रहा है।